दशमी के दिन समर्पित की गई शमी का एक पत्ता महादेव को, अगर एक शमी का पत्ता दशमी के दिन समर्पित कर दिया जाता है तो जिंदगी में कभी वैभव और धन की कमी नहीं आती। उसी तरह इस हृदय को शिव तत्व में शरण समाहित कर रखना। शमी का पत्र है, एक पत्ते में 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल होता है। उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है। शमी के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा, बूढ़ा, कोई व्यक्ति, एक पार्थिव। ट्रेन टिकट चाहिए तो डाउनलोड कंफर्म टिकट मोबाइल ऐप बनो ट्रेन निर्माण कर लेता है, भूलवश भी उस पे जल समर्पित कर देता है, भूलवश भी उसके भाव से पुष्प या शमी पत्र या बेलपत्र भी चढ़ा देता है, तो वो इस संसार में कहीं ना कहीं सुख भोगता ही है, उसके जीवन में दुख। प्रयास करा करो, अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है, दोनों पत्तियों पर भी एक आदिशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है, शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जा। जल के पात्र में थोड़ा सा शहद गंगा जल उसमें डालकर, पात्र में जल में जल लेकर उसमें थोड़ा सा शहद गंगा जल डालकर भगवान शंकर को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। कहते हैं बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति पड़ जाता है, बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति चला जाता है, कुछ ना कुछ समस्याओं में जब व्यक्ति फंसा रहता है, पड़ा रहता है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। दूध, कच्चा दूध केवल शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए या पूरे शिव परिवार पे चढ़ाना चाहिए? प्रश्न अच्छा है। और शिव महापुराण की कथा, रुद्राक्ष उत्सव चल रहा है तो आप उसको समझें। दूध केवल शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए या जो शिवलिंग के आसपास में सभी परिवार विराजमान होता है उस पे भी चढ़ाना चाहिए? अगर लिंग पुराण आप उठाकर देखेंगे तो लिंग पुराण में एक बड़ा सुंदर संवाद आता है जिसमें जो वर्णन किया गया है कि उसमें लिंग पुराण के अंतर्गत एक पीले शिवलिंग का वर्णन आता है कि पीला जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग का भाव कितना सुंदर बताया गया है। उसमें व्याख्यान वर्णन में आप अगर पढ़ेंगे देखेंगे लिंग पुराण के अंतर्गत तो उसमें आता है कि दूध जब आप देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कथा कहती है, नर्मदा पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, सारी पुराणें वर्णन करती है, वराह पुराण, ब्रह्मवेत्ता पुराण, ये जितनी पुराणें सब वर्णन करती है कि जब शिवलिंग पर हम दूध चढ़ाते हैं तो केवल शंकर भगवान के शिवलिंग पर दूध चढ़ा देने से संपूर्ण परिवार पर दूध चढ़ जाता है, अलग से हमें कहीं चढ़ाने की जरूरत नहीं, अलग से हमें कहीं दूध ले जाकर चढ़ाने की जरूरत नहीं कि हमें गणेश जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा, देवी जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा, कार्तिकेय जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा या नंदी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा। आपको ज्ञात होना चाहिए कि शंकर भगवान पर चढ़ाया गया थोड़ा सा भी दूध जल जो हम भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं वो केवल शिव के लिए नहीं रहता, केवल भगवान शंकर के लिए नहीं है, वो स्वयं 33 कोटि देवताओं को समर्पित हो जाता है, स्वयं 33 कोटि देवताओं को।
एक लोटा पानी, बेलपत्री आप शिवलिंग पर तेले चढ़ा रहे हैं, उसके बाद जल चढ़ा रहे हैं। दूसरा, जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। ये दो अलग अलग क्रम है शंकर भगवान की पूजन के। आप समझ लीजिएगा जरा, ये प्रसंग कभी नहीं आया, आज आया है तो उसको समझ। पहले बेलपत्र, उसके बाद में जल जो चढ़ाया जाता है, ये रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। आप शिव मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे तो दो चीजें अपने को दर्शन करने को मिलेगी। एक भक्त आता है शंकर जी के मंदिर में, लोग भाव से पहुंचते हैं तो पहले वो क्या करते हैं, पहले बेलपत्री चढ़ा देते हैं फिर जल चढ़ा देते हैं। और एक भक्त जो शिव मंदिर में पहुंचता है, पहले जल चढ़ाता है फिर बेलपत्र चढ़ाता है। दोनों का अलग अलग क्रम है, दोनों का अलग अलग भाव वर्णन। पहला, अगर बेलपत्र चढ़ाया है और उसके बाद अगर आप शंकर भगवान पे जल चढ़ा रहे हो तो ये रोग मुक्ति के लिए होता है। जैसे बड़े रोग किसी को हो जाए, रोग किसी को घेर ले, तो वो बेलपत्री चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाएगा तो उसको रोग थम जाएगा और फिर वो रोग आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। रोगों को थामने के लिए बेलपत्री पहले फिर जल। कुछ कार्य के लिए आप, सिद्धता के लिए आप, अच्छे कार्य के लिए आप, मन की प्रसन्नता के लिए, आनंदता के लिए आप शिव आराधना कर रहे हो, आप शंकर की आराधना कर रहे हो, तो आप जल चढ़ाकर फिर बेलपत्री चढ़ा, उसका लाभ आनंद में। आपने जल चढ़ाया उसके बाद बेलपत्र चढ़ा। बस एक बात का स्मरण आपको होना चाहिए शिव महापुराण का, कि जब भी आप भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र समर्पित करते हैं, बेलपत्र समर्पित करते समय प्रयास करा करें कि ये बेलपत्र को जब भी आप समर्पित करें, प्रयास करें कि बीच की जो पत्ती होती है बेलपत्र की, मध्य की जो पत्ती होती है उसको अंगुष्ठ से पकड़ा जाए, उसके बाद में आप फिर बेलपत्री को शिव पर समर्पित करें, प्रयास करिए। बेलपत्र जो हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं उसका मध्य जो भाग होता है बेलपत्री का, जो तीन देवताओं का मध्य जो भाग होता है उसको पकड़कर बेलपत्री को शिव को समर्पित।